पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे सपा के वरिष्ठ युवा नेता ठाकुर राहुल सिंह की ओर से लॉकडाउन में निरंतर जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन अलग खाने बनवाकर उन्हें पैकेट के रूप में बंटवाने का काम ठाकुर राहुल सिंह की टीम द्वारा लगातार जारी है। उनके द्वारा सुबह दोपहर शाम जिला अस्पताल के कोविड और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन पहुँचाया जा रहा है। आपको बता दें कि ठाकुर राहुल सिंह के स्वादिष्ट भोजन के कारण जिला अस्पताल में आए तीमारदार और जरूरतमंद लोग उनकी गाड़ी पहुंचने का इंतजार करते हैं। हालांकि कई और संगठन और राजनीतिक लोग भी जिला अस्पताल में भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं, साथ ही अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल सिंह के भोजन वितरण में तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया नहीं जा रहा और न ही लोगों को ये बताया जा रहा कि ये भोजन किसके द्वारा बांटा जा रहा है। बस उनकी गाड़ी देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि स्वादिष्ट भोजन वितरण करने वाली गाड़ी आ गई। ठाकुर राहुल सिंह के भोजन वितरण में समीर ठाकुर, अभिनव ठाकुर, शाहरुख, सचिन, अमित, रोहित आदि लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बड़े भैया ठाकुर राहुल सिंह जी के सौजन्य से हो रहा। तो कहां-कहां है वितरण किया जा रहा आपको हमारा भोजन का? फिरवाद मार्केट, रोडवेज स्टेशन रोड और आपके जिला अस्पताल, रेलवे हॉस्पिटल मैं खाना वितरण कर रहा हूँ। कौन कौन है आपकी टीम में शामिल? हमारी टीम में विशाल ठाकुर हैं और राजकुमार है, विशाल है और शाहरुख हैं। कितने दिन से बढ़ रहा है खाना? ये कम से कम 20 से 25 दिन हो गए खाना बढ़ चुके। शहर में कितनी टीमें काम कर रही हैं? टीमें कर रही हैं, 5 टीमें काम कर रही हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।